आईपीएल में बीसीसीआई और टीम्स कैसे पैसे कमाते हैं, क्या है आईपीएल का बिजनेस मॉडल, और क्या ये टीम्स खाली 20 करोड़ की प्राइज मनी जीतने के लिए ये सब करती है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, अंशुमा जोशी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो आईपीएल में बीसीसीआई और टीम्स पैसे कमाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल में हर साल हर टीम अपनी टीम पे 200 करोड़ रुपए खर्च करके इसको दुनिया के सबसे महंगे स्पोर्ट्स इवेंट में से तीसरा सबसे महंगा स्पोर्ट्स इवेंट बनाती है, और ये टीम्स केवल 20 करोड़ की प्राइस मनी जीतने के लिए तो करती नहीं है। तो जानते हैं ये कैसे पैसे कमाती है। तो 2007 में इंडिया की T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया में T20 का क्रेज बढ़ने लगा था, और फिर 23 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने आईपीएल लॉन्च किया। पर क्या आप जानते हैं आईपीएल को मजबूरी में लॉन्च किया गया था, ना कि किसी प्लानिंग से। इसकी पूरी कहानी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताई है, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपको आईपीएल के शुरू होने का जो एग्जैक्ट रीजन है वो आप जान सके। अब जानते हैं आईपीएल के इनकम स्ट्रीम्स के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि टीम ओनर्स को खिलाड़ियों के रहने खाने घूमने की व्यवस्था करनी होती है, उसका खर्चा उठाना होता है, उसके साथ ही अपनी कमाई का अपने प्रॉफिट का 20% हिस्सा भी जो है बीसीसीआई को देना होता है। तो अब तक हमने देखा कि पूरा खर्चा टीम्स कर रही है, तो वो केवल लोगों को एंटरटेन करने के लिए तो कर नहीं रही है, तो वो 45 से 60 दिनों की लीग में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती है। तो अब जानते हैं इनकी इनकम स्ट्रीम्स के बारे में। तो आईपीएल से इनकम का पहला स्ट्रीम है सेंट्रल रेवेन्यू, और इसका पहला चैनल है मीडिया राइट्स। दोस्तों बीसीसीआई जो है वो आईपीएल में 60 से 70% पैसा मीडिया राइट सेल करके कमाता है, जिसका 50% बीसीसीआई रखता है और 50% टीमों में बांट दिया जाता है। पहले परसेंटेज 20% बीसीसीआई रखता था और 80% टीमों में बांट देता था, बट अब ऐसा नहीं है। बीसीसीआई ने धीरे धीरे कर इस इनकम में अपना शेयर बढ़ा लिया है। अब जानते हैं किस किस ने आईपीएल के मीडिया राइट्स खरीदे हैं। तो हम सब जानते हैं आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, और 2008 से 2017 तक आईपीएल को टेलीकास्ट करने के जो राइट्स है वो सोनी एंटरटेनमेंट ने 8,200 करोड़ रुपए देकर खरीदे थे। यानी सोनी एंटरटेनमेंट हर साल बीसीसीआई को 820 करोड़ रुपए देता था। उसके बाद स्टार इंडिया ने 2018 से 5 साल के लिए 16,374 करोड़ रुपए देकर बीसीसीआई से मीडिया राइट्स जो है परचेज किए थे। यानी स्टार इंडिया हर साल बीसीसीआई को 3,269 करोड़ रुपए देता था, और अब फिर से स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ रुपए देकर मीडिया राइट्स को अपने नाम किया है। यानी अब वो हर साल बीसीसीआई को 4,715 करोड़ रुपए देगा। अब आईपीएल के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी होने लग गए, जिससे मिलने वाली टीआरपी ने आईपीएल की इनकम को 4 गुना बढ़ा दिया है। इस साल आईपीएल के ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के राइट जो जियो सिनेमा ने 23,578 करोड़ रुपए देकर खरीदे हैं। अब जानते हैं सेंट्रल रेवेन्यू के दूसरे चैनल के बारे में, जिसका नाम है टाइटल स्पॉन्सरशिप। अगर आपको याद हो 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, तब उसको डीएलएफ आईपीएल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि डीएलएफ ने 200 करोड़ देकर 2008 से 2012 तक के लिए बीसीसीआई से आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। फिर 2012 में 397 करोड़ देकर पेप्सी ने 5 साल के लिए जो है उसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। हालांकि 2015 की स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद पेप्सी ने नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए अपने हाथ वापस ले लिए थे। उसके बाद गेम में आई चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो, जिसने 200 करोड़ देकर 2 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम की थी, और बाद में 2018 में 2199 करोड़ देकर फिर से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हालांकि इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वीवो ने भी अपना नाम वापस ले लिया था, वो पीछे हट गया था। उसके बाद मौका मिला ड्रीम इलेवन को, जिसने 222 करोड़ रुपए देकर टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम की थी, और अब इस साल 2023 में टाटा ग्रुप ने 440 करोड़ रुपए देकर आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी है, इसलिए इसको इस बार टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। अब तक हमने देखा आईपीएल की इनकम का पहली स्ट्रीम के बारे में, जो थी सेंट्रल रेवेन्यू, जिसके अंदर 2 चैनल है मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप। अब जानते हैं आईपीएल की इनकम की दूसरी स्ट्रीम के बारे में, जो है एड एंड प्रमोशनल रेवेन्यू। इसके अंदर क्या होता है, आपने जैसे अगर आप टीवी पे आईपीएल मैच देखते होंगे तो आपने देखा होगा हर ओवर के बाद कुछ ना कुछ एड चलते हैं, जिसने आईपीएल से होने वाली कमाई को 2 गुना कर दिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार स्पोर्ट्स जो है वो आईपीएल का टीवी ब्रॉडकास्टर है, तो वो हर ओवर के बाद 10 सेकंड के एड चलाते हैं, जिससे पूरे मैच में 2300 सेकंड का जो टाइम होता है वो एड्स के लिए अलग से निकलता है, जिसमें ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट जो है वो लोगों को दिखाते हैं। इसलिए वो 10 सेकंड का स्लॉट जो है वो ब्रांड्स के लिए खोलते हैं, जिसमें जो है ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और इसी से स्टार स्पोर्ट्स ने 2019 में 2200 करोड़ रुपए कमाए थे, और यही रीजन है कि लोगों के बीच में होड़ मची है आईपीएल के टीवी ब्रॉडकास्टर बनने के लिए। अब तक हमने आईपीएल की इनकम के 2 स्ट्रीम के बारे में देखा है। पहला है सेंट्रल रेवेन्यू, जिसके अंदर है मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप। दूसरा हमने देखा एड एंड प्रमोशनल रेवेन्यू, और अब हम तीसरा स्ट्रीम देखेंगे, जिसका नाम है लोकल रेवेन्यू।
लोकल रेवेन्यू मतलब लोकल से होने वाली कमाई जिसमें टिकट सेल्स और स्पॉन्सरशिप जैसी चीजें शामिल है। अब इसके पहले चैनल के बारे में जानते हैं जो है टिकट सेल्स। दोस्तों आईपीएल के हर सीजन में हर टीम के होम ग्राउंड पर लगभग 6 से 7 मैच खेले जाते हैं जिसके अंदर ऑन एन एवरेज 5 करोड़ की टिकट बिकती है, और कभी अगर हाई वोल्टेज मैच होता है तो ऑडियंस ज्यादा पैसे देकर भी मैच देखने आती है। और जो टिकट का प्राइस होता है वो फ्रेंचाइजी डिसाइड करती है क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में फ्रेंचाइजी और ऑडियंस जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। और टिकट सेल से होने वाली इनकम का 80% फ्रेंचाइजी रखती है और बाकी का 20% जो है वो होम ग्राउंड को दे देती है। अब लोकल रेवेन्यू का दूसरा चैनल है स्पॉन्सर्स। आपने प्लेयर्स के टी शर्ट पे देखा होगा अलग अलग जो है कंपनियों के जो लोगो लगे होते हैं वो स्पॉन्सर्स होते हैं, और ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो प्लेयर्स से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी चीजों को प्रमोट करवाते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं। जैसे आपने जियो दंदनादन वाला एड तो जरूर देखा होगा जिसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी आईपीएल टीम के जो ड्रेस पहन के पूरा परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद स्टेडियम में जो जैसे बाउंड्रीज पे जो एड लगे होते हैं, जो स्क्रीन पे जो एड दिखाए जाते हैं, वो सब भी इसके अंदर ही आते हैं, इस चैनल के अंदर ही आते हैं। तो हमने इस वीडियो में आईपीएल से होने वाली इनकम के 3 स्ट्रीम देखे हैं। पहला सेंट्रल रेवेन्यू जिसके 2 चैनल है, मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं एड एंड प्रमोशनल रेवेन्यू, और तीसरे नंबर पे आते हैं लोकल रेवेन्यू जिसके अंदर भी 2 चैनल है, टिकट सेल्स और स्पॉन्सर्स। अब वीडियो को यहाँ तक देखने से हमको इतना तो पता चल गया है कि बीसीसीआई जो है वो आईपीएल से अच्छा खासा पैसा कमाती है। और आपको बता दें अगर कोविड में आईपीएल कैंसिल हो जाता तो बीसीसीआई को 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता। अब एक चीज और जानते हैं कि अगर फ्रेंचाइजी बिना जीते ही इतना अच्छा खासा पैसा कमा लेती है तो वो क्यों चाहती है कि हमारी टीम कम से कम टॉप 4 में तो आए? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि वो इसलिए चाहती है क्योंकि जो टीम टॉप 4 में आएगी उसका जो बाकी बची टीमें हैं जो टॉप 4 क्वालिफाई नहीं कर पाई है उनसे ज्यादा मैचेस होंगे, और ज्यादा मैचेस होंगे मतलब ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे, और ज्यादा स्पॉन्सर्स मतलब ज्यादा पैसा, और इससे जो है टीम की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है जिससे आने वाले सीजन में टीम को जो है ज्यादा महंगे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, ज्यादा पैसा मिलता है। सो ये था मेरा आज का ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो को बनाने में और डाटा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम मेक ड्रीम्स, सपने बनाते हैं।